हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बांग्लादेश से, और आज का जो टॉपिक है कॉन्कर पोशिंग के लिए, आज के बाद शायद आप लोगों को और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को फुल्ली देख लोगे, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा कॉन्कर पोशिंग के लिए, और सोलो स्क्वाड एमएस मतलब पिंग टिंग सब लेके मैं टॉपिक में उठाऊँगा। और आप लोग बस पूरा देखते रहो, और वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया तो। और शुरू करते हैं वीडियो। पहले जो मतलब टॉपिक में आता है, पहले मैंने 4-5 वीडियो डाला था उस वीडियो में, टॉपिक में जो लोग कमेंट किया था, मतलब मैंने कहा था भाई कमेंट कर देना अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैंने सारे आंसर किया था, मतलब 1000 कमेंट हुआ था शायद कुछ। और उधर में पहले आता था भाई पिंग इशू और हैकर इशू, लेकिन अभी जो आता है भाई सर्वर डाउन हैकर का इशू, वो सर्वर डाउन करके देता है भाई पूरा हैकर। अभी तो ये हैकर बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने इस सीज़न में 2 दिन खेला था, मेरे टूर्नामेंट की वजह से मैंने एक्टिव नहीं रहा था, तो 2 दिन खेला था, मतलब 15-15 घंटा खेला था, लाइव में खेला था 11 घंटा करके। तो उधर में मेरे को सर्वर डाउन बस 2 बार मिला था शायद, एक बार मिला था शायद ऐसा कुछ। तो उस समय तो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी जो हो गया 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा हैकर आ गया, और भाई सर्वर डाउन का मतलब सब सर्वर डाउन हैक यूज़ कर रहा है, और भाई सर्वर पूरा डाउन हो जा रहा है, और भाई आप लोग भाई गेम ही खेल नहीं पा रहा, और अगर जोन के बाहर जाके कोई सर्वाइव करने जाए तो भाई जोन के बाहर ही मर जाता है, क्योंकि हीलिंग भी नहीं होता। तो इससे बचने के लिए भाई मैंने सब सर्वर में खेला, और खेल के ढूंढ के एक सर्वर निकाला KRGP TTP Squad, और उधर उतना ज़्यादा नहीं है। और कैसे पुश करना है और क्यों उधर पुश करना है ये भी बताता हूँ। पहले बहुत लोग बोलते हैं भाई सोलो डुओ में पुश करते हैं ऐसा कुछ, मैंने मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया भाई KRGP सोलो में कितना पॉइंट लगता है, KRGP डुओ में कितना पॉइंट लगता है, एशिया डुओ में सोलो में कितना पॉइंट लगता है। तो मैं बताता हूँ भाई, आप लोग भाई डुओ सोलो में पुश मत करो अगर आपका मतलब स्किल और डिवाइस थोड़ा ख़राब है तो। भाई उधर पॉइंट बहुत कम देता है, मतलब जिन लोगों के पास आईपैड या आईफोन है और प्लस स्किल अच्छा है, उन लोगों के लिए सही है, लेकिन भाई जो लोग के पास आईफोन नहीं है प्लस लो एंड डिवाइस है, उन लोग भाई उधर मत जाओ, बिकॉज उधर हैकर तो आता ही है, सब जगह आता है। और भाई उधर भाई तुम मतलब बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर मिलेगा और सोलो प्लेयर मिलेगा, तो भाई उन लोगों से भाई टक्कर लेना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब हो जाएगा बट लेकिन मुश्किल होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो भाई फिर आता है भाई MS के बारे में। MS अगर तुम भाई अपना सर्वर के बिना अगर किसी सर्वर में खेलो तो भाई तुम्हारा पिंग थोड़ा हाई आएगा, ऐसा मतलब सबको होता है, मेरा या तुम्हारा नहीं है, सबका होता है, मतलब सेम ही होता है। अगर तुम एशिया का बंदे हो तो भाई एशिया में अच्छा पिंग देगा, अगर तुम भाई यूरोप का बंदे हो तो भाई यूरोप में अच्छा पिंग देगा, ऐसा कुछ है। तो अगर तुम VPN ट्राई करना चाहते हो भाई VPN के बिना ही खेलो, बिकॉज अगर तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अच्छा है तो भाई लूट मूट अच्छे तरह से कर लेगा, मतलब पहले 15-20 मैच खेलो, फिर देखना आपका पिंग धीरे धीरे मतलब स्टेबल हो जाएगा, और भाई आपका लूट अच्छा होगा, फिर भाई एनिमी मार पाओगे अच्छे तरह से, और तुम्हारा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर तुम शॉर्ट रेंज में बस AKM और M4 रखो, AKM शॉर्ट रेंज में यूज़ करना, और लॉन्ग रेंज में M4 मतलब स्नाइपर के बिना खेलो, अच्छा होगा आपके लिए। और फिर आता है भाई, बहुत लोग कह रहे हैं भाई अभी तो मतलब के मतलब मैं अगर इस वीडियो भी बना दूंगा भाई, कि बहुत लोग कहेगा भाई KRGP TTP में क्या सर्वर डाउन का इशू नहीं आता। भाई क्यों नहीं आता है भी मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई उधर प्लेयर ज़्यादा होता है, और भाई सोलो डुओ में जो होता है प्लेयर कम होता है, इसलिए भाई प्लस भी कम देता है, और भाई स्क्वाड में प्लेयर ज़्यादा होता है इसलिए भाई प्लस भी ज़्यादा देता है। और भाई स्क्वाड का जो बात है, मतलब तुम अगर स्क्वाड बना के खेलोगे तुम्हारा ज़्यादा फायदा है, तुम्हारा स्क्वाड सपोर्ट देगा अच्छा, और सोलो में लोग खेलोगे तो भाई ग्रेनेड में नॉक मत होगे, डायरेक्टली फिनिश हो जाएगा सोलो में। और डुओ में थोड़ा मतलब रहता है, मतलब जो तुम्हारा टीममेट तुमको सेव कर लेगा, लेकिन स्क्वाड में बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज मिलता है, तो क्या तुम्हारा स्क्वाड तुमको सेव कर लेगा, अगर 1-2 प्लेयर सामने आए तो तुम नॉक हो गए तो तुमको रिवाइव ईजिली मिल सकता है। और भाई मतलब TTP KRGP में इस बार तुम चाहो तो भाई रैंक पुश करके ट्राई करो, तुम एच में जाओ, मैं जैसे पुश कर रहा हूँ ऐसे, मैं पहले सीज़न में मेरा ख्याल है भाई एच में जाएंगे हम लोग 5-6 बंदे, तो 6 बंदे मिलके पुश करेंगे, तो भाई हमारा जो स्क्वाड में, तो उधर हम लोग कहा भाई पहले सीज़न में एच में जाएंगे, फिर नेक्स्ट सीज़न में हम लोग डायरेक्टली भाई मतलब कॉन्करो के लिए पुश करेंगे, मतलब हम लोग तैयारी करेंगे पहले भाई एच में जाके, ऐसे इधर हैकर में कराता है कि नहीं। मैंने बहुत सारे मैच खेला ऑलरेडी, प्लैटिनम में आ गया, मतलब ब्रॉन्ज से मतलब बहुत सारे मैच खेला, लेकिन उधर हैकर में कर नहीं मिला, लेकिन अच्छा प्लेयर थोड़ा बहुत है, बिकॉज उन लोगों का 20 पिंग है, हम लोगों का भाई मेरा वाईफाई का 150 से ज़्यादा पिंग है, और डाटा का 350 से ज़्यादा पिंग है, वाईफाई में थोड़ा अच्छा पिंग देता है। और उधर का प्लेयर के साथ मतलब टक्कर लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन भाई हम लोग सेफ खेलते हैं पूरा, हमारा हर मैच में प्लस आ जाता है, माइनस नहीं आते, बिकॉज हम जोन के बहुत बाहर रहते हैं, मतलब
बाहर मतलब पहला जोन में थोड़ा मतलब बाहर ही रहते हैं, फिर धीरे धीरे जोन के एज में थोड़ा मतलब कवर में ये छोटे छोटे जगह में भाई चला जाता है और उधर कैम्प करते हैं, और लास्ट में उतना ज़्यादा एनिमी नहीं बचता बिकॉज हम लोग को इसलिए बहुत अच्छा प्लस मिल रहा था और आगे जाके भी मिलेगा शायद। और भाई उधर मतलब के आरजीबीटी एफपीवी और नॉर्थ अमेरिका एफपीवी में जैसा 30-40 अलाइव नहीं रहता, थोड़ा कम अलाइव रहता है, मतलब 10-20 ऐसा कुछ, मतलब ज़्यादातर 20 के नीचे ही प्लेयर होता है, जिधर नॉर्थ अमेरिका में 40 प्लेयर रहते हैं, 50 प्लेयर रहते हैं, प्लस के आरजीबी में सेम ही है। तो के आरजीबी टीटीवी में आप लोग पुश करो अगर आपके पास, आपके पास पहला तो भाई आपके पास टाइम होना पड़ेगा बिकॉज भाई उधर टाइम बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर तुम उधर पुश करोगे तो भाई उधर तुमको भाई टाइम लेके पुश करना पड़ेगा, बिकॉज डेली तुमको कम से कम 8 घंटा खेलना पड़ेगा, मतलब कॉन्क्रो पुशिंग के लिए मिनिमम 8 घंटा, अगर तुम 8 घंटा खेल पाओ तो ईजी कॉन्क्रो रहे, मतलब 8 घंटा खेलो और सेफ खेलो, तुम्हारा एक केडी हो एक भी केडी नहीं हो तो भी भाई जा सकते हो, बिकॉज उधर अलाइव ज़्यादा नहीं रहता, तुम छुप छुप के खेलो बस पीछे रहो और हर मैच में 10-15-8-9 जितना भी प्लस ले सकते हो ले, बस माइनस मत निकलो, मतलब दूर में उतरो जिधर एनिमी नहीं उतरता, मतलब पैराशूट में अच्छी तरह से चेक कर लेना जिधर एनिमी नहीं है उधर से भाग जाना, और कार लेके भी भाग जाना, बस प्लस चाहिए तुमको, मतलब किसी भी तरफ से तुमको प्लस चाहिए, और भाई माइनस नहीं लोगे तो भाई प्लस कम होने से भाई कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक बात है भाई, जो लोग कह रहे हैं भाई मतलब इधर तो भाई लास्ट में बहुत सारे स्टार लगते हैं, भाई इधर स्टार लगते हो तो क्या हुआ भाई, इस सीज़न में तुम एच में जाओ, नेक्स्ट सीज़न में तुमको प्लैटिनम 2 मिलेगा, थोड़ा मेहनत कर लो भाई कॉन्क्रोर का फ्रेम मिल जाएगा भाई इजीली, और हैकर भी नहीं होगा, टीटीपी का तुम्हारा तो भाई एक्सपीरियंस है ही और एफपीवी का तो भाई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और लास्ट जो वीडियो बनाया था उधर भी तुम जा सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, दिन में शायद 2-3 घंटा खेलते हो तो भाई उधर भी जा सकते हो, लेकिन उधर बहुत सारे हैकर आते, मैंने पहले कहा है उधर, मतलब इधर मतलब हैकर नहीं है ऐसा ही समझ लो। और भाई मैं लाइव में पुश करने वाला हूँ भाई, लाइव में मैं पूरा 7 दिन पूरा लाइव करूँगा, मतलब 12-13 घंटा करके लाइव करूँगा, अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहा तो, मेरा अगर वाईफाई रहा तो मैं लाइव करूँगा, और आप लोग अगर चाहते हो भाई लाइव देखना चाहते हो तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना, तो भाई आपको लाइव का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मैं डेली वीडियो देता हूँ भाई कॉन्क्रो पुशिंग का, और अगर कोई दिक्कत भी आए तो मैं उस दिक्कत को भी सॉल्व कर दूंगा नया वीडियो लेके, आप लोग कमेंट करके जाना भाई क्या क्या हमारा प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का रिप्लाई दे दूंगा, और आपका हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, आप लोग चाहे तो भाई कमेंट करके देख सकते हो, मेरा 1000 से ज़्यादा रिप्लाई मैंने दे चुका हूँ अभी तक, लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था मतलब 5-6, तो उधर में बहुत सारे तुम जाके चेक कर सकते हो, मैं सब मतलब क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देता हूँ और सब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ और चेकिंग रखता हूँ भाई आप लोगों का कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं, और भाई लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना भाई, ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और भाई आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, हम तो ऐसे ही पुश करने वाले पहला सीज़न एच, फिर नेक्स्ट सीज़न भाई मतलब कॉन्करर के मतलब कोशिश करेंगे, और भाई अगर आपके पास टीममेट भी नहीं है तो आप चाहो तो भाई कमेंट में आपका अकाउंट का नंबर दे सकते हो, अगर किसी को भाई पसंद हो टीममेट चाहिए आपके जैसा तो आपको ऐड कर लेगा, और आप भी ऐड कर लेना, बहुत लोग शायद कमेंट करने वाले हैं अपना अकाउंट, तो भाई इसमें ही पुश करो भाई, ट्राई करके देखो एक बार भाई, ट्राई करने से कोई मतलब कोई आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो ट्राई करो भाई इजीली, अगर हो जाता तो होने दो, अगर एज हो जाए इजीली तो भाई समझ लो नेक्स्ट सीज़न भी अगर तुम एक्टिव रहोगे तो उस सीज़न भी तुम्हारा एज हो जाएगा, मतलब अगर लेट भी हो जाए 2-3 दिन तो भाई शायद 1 स्टार से ज़्यादा नहीं लगेगा, पहला 2 वीक में शायद 2 स्टार लगेगा ऐसा कुछ, मतलब 4400 पॉइंट उतना खास नहीं उधर, बिकॉज उधर अलाइव बहुत कम रहता है, मैंने पहले भी बताया, और आपके लिए सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से खेलो और हैक मत करो, बेस्ट ऑफ लक।